हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना होम साइंस का आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं, उनसे ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2013 का पेपर है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करेंगे। पुराने क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से इसीलिए प्रीवियस ईयर का पेपर हमेशा, कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी कंपटीशन दीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि चीज़ें हमें पता रहे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि जो अंकुरित दाल है, दालें, फलियां, अनाज, ये सब क्या हो जाते हैं, अंकुरित होने पर अपने पौष्टिकता, पौष्टिक मूल्य क्या हो जाते हैं, उनकी बढ़ जाती है। तो देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इनकी पाचनशीलता में वृद्धि होती है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व बढ़ाता है, या फिर ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होता है कि अंकुरित दालों, अंकुरित फलियां, अनाजों के क्या हो जाता है, पोषण मूल्य, उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाता है अंकुरण के बाद। इसीलिए तो जब चीज़ें अंकुरित हो जाती है तो हम लोग उसको देखिए पकाते नहीं है, उसको एज इट इज, यानी कच्चे रूप में अच्छे से साफ करके उसको खाते हैं, क्योंकि पकाने से क्या हो जाता है, फिर उनके पौष्टिक तत्व जो है वह थोड़े बहुत नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अंकुरित अनाजों को देखिए हम लोग कच्चा ही सेवन करते हैं, सलाद के रूप में या फिर ऐसे ही चाट की तरह, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखिए जो अंकुरित हो जाती है दालें, तो क्या हो जाता है, उनकी पाचनशीलता में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही, उनकी पाचनशीलता में वृद्धि होती है। सबसे जरूरी, विटामिन सी बढ़ जाता है, यानी कि अंकुरण होने के बाद अनाजों में क्या हो जाता है, विटामिन सी। अगर पूछ ले एग्जाम में कि कौन सा विटामिन बढ़ जाता है अंकुरण होने के बाद, तो विटामिन सी बढ़ जाता है, लौह तत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका हमारा इससे क्या है कि जो आंसर हमारा निकलेगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी चीजों में जो है वह वृद्धि हो जाती है अनाजों के अंकुरण के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, ठीक है। तो जो प्रौढ़ शिक्षा यानी जो एडल्ट एजुकेशन है वो किस पर मेनली फोकस करता है, तो जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, एडल्ट एजुकेशन है, एक तो साक्षरता पर तो करता ही है, क्या संवर्धन पे करता है, नहीं, कौशल पर, नहीं, ऑल ऑफ एबव। तो अगर नहीं कर रहा है तो ऑल ऑफ एबव तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर सही होगा साक्षरता पर, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो प्रौढ़ एजुकेशन यानी जो एडल्ट एजुकेशन है वो व्यवहारिक ज्ञान देता है, न कि हमें सैद्धांतिक या फिर किताबी ज्ञान, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, यह साक्षरता पर तो निर्भर है, लेकिन जब इसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, जब प्रौढ़ शिक्षा की पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो वर्णमाला से कभी नहीं स्टार्ट होती। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो प्रौढ़ शिक्षा है वो वर्णमाला से नहीं स्टार्ट होती। किससे स्टार्ट होती है, तो शब्दों से स्टार्ट होती है, यानी कि जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग पहले क ख ग घ ए बी सी डी यानी उसकी वर्णमाला, उसके अक्षर को बताते हैं, लेकिन जब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है तो वर्णमाला पर से नहीं, किससे, शब्दों से स्टार्ट किया जाता है, और यह व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, न कि सैद्धांतिक या फिर किताबी ज्ञान, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। आगे देखते हैं, खनिज तंतु कौन सा है, ठीक है, खनिज तंतु कौन सा है। तो ये हम लोग जब टेक्सटाइल पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नायलॉन क्या है, ये तो क्या है, यह एक मानव निर्मित रेशा है, एसीटेट मानव निर्मित रेशा है, ग्लास है नहीं, तो बचा क्या, एस्बेस्टॉस हमारा क्या है, एस्बेस्टॉस हमारा खनिज तंतु है। फ्रेंड्स, आप अगर आंसर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी ट्रिक लगा सकते हैं कि जो चीज़ें नहीं है पहले उनको छांट लें, ठीक है, जो चीज़ें नहीं है पहले उनको छांट के अलग कर लें, तब जो बचेगा तब आंसर लगाएंगे तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग, अगर नहीं पता है तो आप एलिमिनेट कर लीजिए, पहले नायलॉन मानव निर्मित रेशा है, एसीटेट मानव निर्मित रेशा है यानी रासायनिक रेशा है, ग्लास है नहीं, तो इस तरीके से क्या है, एस्बेस्टॉस बचा, तो एस्बेस्टॉस हमारा खनिज रेशा है, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एस्बेस्टॉस से बनना किस चीज़ के लिए बनता है, तो ये अग्निशामक यंत्र यानी जो अग्नि, जो क्या फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनके वस्त्र इसी तंतु से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह अग्निरोधक है, ठीक है, तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनके वस्त्र इसी से बने होते हैं, किस तंतु से,
एस्बेस्टॉस से, जो कि क्या है, वह एक खनिज तंतु है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सा है? एक तो आयरन है, ये तो सबको पता है। आगे देखते हैं, लौह तत्व तो देखिए सब में मिलेगा आपको, लौह तत्व और ये फिर नन ऑफ एबोव, तो ये है नहीं, लौह तत्व मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखते हैं, इसके अलावा कौन सा तत्व है? जिंक, कैल्शियम या फिर फॉलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हमें दिख जाते हैं, तो इसीलिए चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा फॉलिक एसिड। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है एक तो आयरन, दूसरा है फॉलिक एसिड, इससे क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन निर्माण होता है। आगे देखते हैं, एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक काम देना चाहूंगी कि ICDS का निर्माण कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि ICDS का निर्माण यानी ICDS कब से स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो ये देखिए, एकीकृत बाल विकास योजना में क्या सम्मिलित है? तो सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन, गैर औपचारिक एवं शाला पूर्व शिक्षा, बोथ या फिर नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स ICDS पे मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। अगर मैं कहती हूँ कि प्लेलिस्ट में वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल नॉलेज जो है उसमें दी जाती है। मैं आप लोगों को चीज़ें थोड़े कम प्रोवाइड कराती हूँ लेकिन सॉलिड प्रोवाइड कराती हूँ, जिससे कि आपका समय भी बचे और नॉलेज भी डीप हो। तो जो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम है यानी एकीकृत बाल विकास सेवा है, ये क्या है, ये एक यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से है, तो गैर औपचारिक एवं शाला पूर्व शिक्षा पर यह जोर देता है। ठीक है, न कि प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन पर, बोथ होगा नहीं और नन ऑफ एबव है नहीं, तो इसलिए क्या है, गैर औपचारिक एवं शाला पूर्व शिक्षा इसमें बालकों को दी जाती है। तो यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई, आगे देखते हैं फिर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है, ठीक है, तो जो शिक्षा शास्त्री पार्कर है उनके अकॉर्डिंग क्या मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य कौन कौन सी है? आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, महत्वाकांक्षा और या फिर नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझिएगा कि आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम एवं महत्वाकांक्षा, ये सभी क्या है, ये सभी मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। किसके अकॉर्डिंग? पार्कर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कठपुतली क्या है? ठीक है, कठपुतली क्या है, एक श्रव्य सामग्री यानी केवल सुनने वाली सामग्री, दृश्य सामग्री या फिर केवल देखने वाली सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स है या फिर ऑल है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कठपुतली है क्या हम उसे सिर्फ सुन सकते हैं? नहीं, तो ये केवल सुनने वाली सामग्री नहीं है। क्या केवल देख सकते हैं? नहीं, ये केवल देखने वाली सामग्री भी नहीं है, तो यह देखने और सुनने दोनों वाली सामग्री है, तो इसलिए दृश्य और श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो और विजुअल एड है क्या, कठपुतली, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए, किसे होना चाहिए, चलिए देखते हैं। ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए जो प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य है, दूसरा ऑप्शन है हमारा सुसंगठित होना चाहिए, तीसरा है सरकार का सहयोग होना चाहिए, चौथा है पर्याप्त निधि। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, ऑप्शन तो चारों ही सही है, चारों ही करेक्ट है, लेकिन इसमें जैसे कि ऑल ऑफ अबव नहीं दिया है, तो इसमें से कोई एक ही हमें चूज करना है, तो इस तरीके से चूज करिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसकी हो उसको पहले नंबर पे रखिए और वहीं पे टिक करिए। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा लग रहा है कि इसे ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। जब इसका प्रारंभ ग्रामीण यानी इनिशियल लेवल से होगा तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सुसंगठित होंगी और सरकार का सहयोग मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें कि चारों आंसर सही लगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो लगता है कि हाँ यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इम्पोर्टेंस है उसकी, तो उसी पे टिक करिए। इसमें जरा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि चारों सही है तो किसी पे भी टिक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित है, यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो फ्रेंड्स, वर्क सिंप्लीफिकेशन पे भी मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। नेक्स्ट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, मैं इसे फिर से आप लोगों को डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। फिलहाल आप उसको देख लीजिएगा। इसमें देखिए, कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित है, तो देखिए प्रक्रिया चार्ट बिल्कुल है कार्य सरलीकरण से संबंधित, फ्लो चार्ट भी है और परिचालन चार्ट भी है। ये तीनों क्या है, ये तीनों कार्य सरलीकरण से संबंधित है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ हम नहीं लिखना, देखिए जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए मैंने वही नहीं मेंशन किया, यहाँ नहीं था तो नहीं पे आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है। कभी कभी नहीं तो छूट जाता है और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो नहीं पे फोकस करिएगा कि कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। तो देखिए, प्रक्रिया चार्ट है, फ्लो चार्ट भी है, परिचालन चार्ट भी है, तो एलिमिनेट कौन सा होगा, तो देखिए बजट चार्ट, ये हमारा बाहर हो गया और हमारा आंसर भी यही सही होगा। ये किससे संबंधित है, हमारी घर की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कार्य सरलीकरण में होता क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन उसे कहते हैं जिससे हमारी शक्ति यानी हमारी एनर्जी की भी बचत हो और हमारे समय बचे, यही तो है कार्य सरलीकरण, ठीक है। इसीलिए कोई भी काम करिए उसको प्लानिंग के साथ करिए, उसका टाइमिंग नोट करिए, उसको हर तरीके से ध्यान देके करिए और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुने हुए वस्त्रों यानी कि नीटेड जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा नहीं। किसकी नहीं होती है, धुलाई की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। स्त्री की आवश्यकता होती है कुछ कुछ वस्त्रों में, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो देखिए माड़ की, यानी कि जो बुने हुए वस्त्र होते हैं उन्हें स्टार्च की आवश्यकता यानी माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई थिंक ये भी चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, खेल है यानी जो खेल है वो क्या है, उद्देश्यहीन है, आनंदप्रद है, समयबद्धता की आवश्यकता नहीं, या फिर ऑल ऑफ अबव। यानी जब बच्चे खेलते हैं तो क्या कोई उद्देश्य लेके खेलते हैं, नहीं, तो क्या है, ये उद्देश्यहीन है, ठीक है। आनंद मिलता है उन्हें, समयबद्धता की आवश्यकता नहीं, यानी जब बच्चे खेलने स्टार्ट कर देते हैं तो क्या उन्हें टाइम का रहता है पता कि हाँ कितना बज गया, नहीं। लेकिन जब पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा समय का जो है चिंता रहता है कि मम्मी हम इतना देर पढ़े, खेलने का तो कोई टाइम ही निश्चित नहीं होता। तो इस तरीके से क्या है, ये उद्देश्यहीन है, आनंदप्रद है और समय की आवश्यकता यानी समयबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव, यानी कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो उद्देश्यहीन होता है किंतु आनंदप्रद होता है और समयबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, सभी प्राकृतिक तंतु, ठीक है, यानी जो नेचुरल फाइबर होते हैं, केवल फिलिंग द ब्लैंक्स के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है, ठीक है। सभी प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं, स्टेपल तंतु होते हैं, ठीक है। जितने भी प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर जितने भी हैं वह सब क्या है, स्टेपल तंतु है। लेकिन केवल एक तंतु ऐसा है प्राकृतिक तंतु जो कि स्टेपल की श्रेणी में नहीं आता, कौन सा, रेशम, ठीक है। रेशम क्या है, रेशम एक फिलामेंट तंतु है यानी कि लंबा रेशा है। प्राकृतिक तंतु जितने भी है वो सारे क्या है स्टेपल है, लेकिन रेशम ही एक ऐसा एकमात्र प्राकृतिक तंतु है जो कि लघु तंतु या फिर स्टेपल तंतु नहीं है। वो कौन सा है, वह एक फिलामेंट तंतु है या फिर दीर्घ तंतु है या फिर लंबा तंतु है। और लंबा तंतु कौन कौन से थे, जितने भी मानव निर्मित रेशे हैं वह सभी फिलामेंट तंतु की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा, सिल्क। सिल्क क्या है, सिल्क एक फिलामेंट तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, यानी कि इसमें से किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो व्यवसाय का चयन किशोरावस्था की विशेषता है, वस्तु में स्थिरता, यानी देखिए ध्यान से समझिएगा, इस स्टेज में क्या होती, किसी भी चीज़ को लेकर स्थिरता नहीं होती है, ठीक है। हर समय दिमाग जो है वह चलता रहता है, किसी न किसी चीज़ के लिए सोचता ही रहता है। आत्म पहचान का विकास, यह भी इसकी विशेषता है। शारीरिक परिवर्तन, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाता है, वस्तु में स्थिरता प्राप्त नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है ना इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारित कारक कौन सा है, यानी जब बालक समाज में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका आधारित कारक क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, उसकी मानसिक
स्थिति, कैसे जब तक बच्चा जो है मेंटली एक्टिव नहीं होगा वह कैसे जो सोसाइटी में कैसे प्रवेश करेगा और कैसे उसके सामाजिकता का विकास होगा। इसलिए देखिए, ध्यान से देखिए, विशेषताएं तो सभी हैं, लेकिन फिर वही बात मैं बताऊंगी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, यानी जिसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता, उसी पे आप टिक करिएगा। तो जब तक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी वह समाज में कैसे विकास करेगा। तो सबसे पहला है उसका विकास का आधारित कारक उसकी मानसिक स्थिति का ठीक होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु की हृदय गति होती है, तो नवजात शिशु की हृदय गति वयस्कों से क्या होती है, तीव्र होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, 20 से 140 प्रति मिनट क्या होती है नवजात शिशु की हृदय गति, यानी कि एक नवजात शिशु का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 20 से 140 बार जो है वह धड़कता है। आगे बढ़े या फिर यहीं पे स्टॉप करें, चलिए एक बार और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का अपने पालनकर्ता यानी जो अभिभावक होते हैं उनसे संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है, यानी कि जो मुख्य निर्धारक है उनसे संबंध का कौन सा होता है, तो संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास का, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का, या फिर स्वभाव का। तो देखिए, जो बालक होता है उसका अपने अभिभावक से कैसे संबंध होता है, तो संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। ठीक है, इमोशनल और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव दोनों तरीके का जो है वह संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन किसमें पाया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, पैक्टिन पाया जाता है अमरूद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटायरिक अम्ल देखिए ध्यान से समझिएगा, ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में ही पाया जाता है, जो मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है ना, वो इसी अम्ल के कारण आती है। कभी क्वेश्चन में दे दिया कि मक्खन से अलग तरह की जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, तो वो आती है ब्यूटायरिक अम्ल के द्वारा। ब्यूटायरिक अम्ल के कारण ही मक्खन में एक विशेष खुशबू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो यहाँ पे देखिए लाइपेज, लाइपेज क्या है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि विभाजित है, तो जो गिलफोर्ड का मॉडल है उसके अनुसार मानव बुद्धि विभाजित है 120 कारकों में। ठीक है, जिसमें गिलफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने तीन चीज़ें बताई हैं, तीन आधार माना है, एक तो है प्रक्रिया संक्रियाएं उत्पाद, ठीक है, और एक तो हो जाता है